मुजफ्फरनगर के बाद अब कल करनाल में किसानों का महापंचायत होने जा रहा है। हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल जी हैं। कल जिस तरह की तस्वीरें मुजफ्फरनगर से सामने आई, लाखों की संख्या में किसान जुटे थे, और करनाल के साथ तो एक घटना भी जुड़ी हुई है हाल ही में, जिस तरह से वहाँ किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। कल अनाज मंडी में किसान जुटेंगे और हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से 144 लगा दिया। क्या आपको इस बात का डर है कि फिर से उस तरह की स्थिति बन सकती है जो पहले? देखिए, जो जो इनके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं वो तो आपने वायरल पिछले दिनों में, जो करनाल में किसानों पे लाठीचार्ज, जो किस तरीके से किसानों को चुटेल किया गया, उनके साथ बर्बरतापूर्ण एक रवैया प्रदर्शित किया गया या उनके साथ बर्ताव किया गया, वो किसी से नहीं छुपा है। और इन दिनों सरकार की क्या नीतियाँ रही है किसानों के प्रति, उन पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, निषेधाज्ञा के कानून लागू किए जा रहे हैं, तो उसके बारे में तो स्थिति बहुत स्पष्ट है सरकार की। ना सरकार सुनना चाहती है, ना उस इस सरकार की किसानों के हितों को लेके संवेदनाएं, इनके विचार क्या हैं वो भी आप सबको पता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी किस समय समय पर किस तरीके के अनर्गण, जो एक गंभीर व्यक्ति या परिपक्व व्यक्ति से अपेक्षित नहीं होते, उस तरीके के बयान उनके आते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, अभी भी इस सरकार को किसानों के को की भाव को समझना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी को भी, आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि अगर किसानों की आवाज़ को नहीं सुनोगे, किसानों के दुख दर्द को नहीं समझोगे, कहते हैं ना कि वो कौन सा एक महाकाव्य है, उसमें कहा है कि गरीब के आंसू बड़े से बड़े साम्राज्य को डुबो देते हैं। तो ये किसानों, किसान एक गरीब विभिन्न वर्ग है जो इस देश के अंतिम पायदान का, और अगर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अगर हम कोट करें उनके, तो उन्होंने कहा कि इस देश की आत्मा गांव में और किसानों में बसती है। तो वो आत्मा कहीं ना कहीं आज बेचैन है, वो विचलित है, आज व्यथित है, आज द्रवित है। हरियाणा के संदर्भ में जो किसान कल जुट रहे हैं, उनकी तो मांग ही यही है कि जिस अधिकारी ने इस लाठी चार्ज की अनुमति दी थी और जिसका वो वीडियो वायरल हुआ था, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। राज्य सरकार उसको डिफेंड करती है और बहुत दबाव होने पे उसका ट्रांसफर कर देती है। देखिए, हम लोग भी पिछले दिनों नेशनल NHRC में मिले थे, हमने ये मांग रखी थी, चार मांगों में, इसमें मुख्य मांग ये थी कि इस अधिकारी को, इस SDM को निलंबित किया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई हो, जिससे कि ये संदेश जाए कि दूसरा अधिकारी इस तरीके का दुर्व्यवहार आने वाले भविष्य में किसानों और जनता से ना कर पाए। और हमें ये कहते हुए भी, बताते हुए भी बड़ा हर्ष होता है कि हमारी बात का, हमारी मांग का संज्ञान लिया आदरणीय माननीय न्यायाधीश महोदय ने, और उनको नोटिस भेजा है वहाँ के DC और इनको। लेकिन कल जिस तरह से फिर किसान जुट रहे हैं, आपको लगता है कि खट्टर सरकार, चाहे राज्य की हो या केंद्र की, जैसे संबित पात्रा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पूरा आरोप आप लोगों के ऊपर ये है कि किसान आंदोलन के पीछे आप लोगों को भड़काने का काम करते हैं और पूरी तरह से सियासत जो है कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे देखिए, अब ये कि किसान, हम कांग्रेस इसके पीछे है, ये तो अपनी असफलता का ठीकरा आप कांग्रेस पे थोप रहे हैं। ये तो आपको मंथन करना चाहिए ना कि आज किसान कैसे, कांग्रेस के कहने से 9 महीने से किसान सड़कों पर रहेगा, कोई घर अपना ऐसे ही नहीं आसानी से नहीं छोड़ देता है। जब बहुत आदमी, जब जिसे कहते हैं कि वन इज ड्रिवन टू द वॉल, तभी अपना घर, वो कहीं ना कहीं अपना भविष्य अंधकार में देख रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने को असहाय महसूस कर रहा है, असहज महसूस कर रहा है इस इन बिलों के लागू होने के, क्रियान्वयन के फलस्वरूप, तो उसको लेके वो बहुत अपने आप में परेशान है। और कांग्रेस उसकी बात उठा रही है तो कोई गलत नहीं कर उठा रही है, हमारी पार्टी की एक रीति नीति है, हमारे हमने किसानों के लिए किया है। आप चाहें इतिहास उठाकर देख लें, नेहरू जी से, इंदिरा जी से, इंदिरा जी ने 1906 पट्टे किसने बांटे थे, किसानों को पट्टे बांटने का किसकी पहल थी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया, यहाँ इस देश में आज आत्मनिर्भरता का आप नारा दे रहे हैं, आत्मनिर्भर किसने बनाया था, खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति लाए, उसके फलस्वरूप आप देश, जहाँ आप पहले आप आयात करते थे खाद्यान्न, इसका गेहूं का और इनका, तो जो आत्मनिर्भर बनाया, जब आपकी ये हरित क्रांति हुई, श्वेत क्रांति आई,
जो आप डेयरी आज आप गांव-गांव में देखते हैं, तो उसके पीछे उसका जनक जो कुरियन थे और उसकी पहल किसने की थी? स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने। आप चाहे ये भूमि अधिकरण बिल हो, जिसके साथ फिर छेड़छाड़ आज हरियाणा में जो बिल पारित हुआ है वो किसके कार्यकाल में हुई? तो ये तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया? तो हमने किसानों बैंक 1,75,000 करोड़ डॉक्टर मनमोहन सिंह के किसान में किसानों का ऋण माफ़ हुआ। मनरेगा योजना हम लाए, जिसकी आपने सत्ता में आसीन होने के पश्चात आपने पहला आपका वक्तव्य था कि मनरेगा योजना बहुत बेवकूफ़ी की मूर्खता की योजना है, जो वक्तव्य है सरकार रिकॉर्ड में है, और उसके बाद आपने उसे सराहाया। तो ये हमारी प्रतिबद्धता को जाहिर करता है कि ये सरकार पूंजीपतियों की नहीं है। हमारी ये पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस ने हमेशा किसानों के हितों की रक्षा की है और हमेशा उनकी हितैषी रही है, उनके भविष्य को लेकर हमेशा सजग और प्रहरी के रूप में काम किया है। जी तो मतलब कल जो किसानों की महापंचायत करनाल में होगी उसको कांग्रेस पार्टी का नैतिक समर्थन तो रहेगा? नैतिक बिल्कुल है हमारा समर्थन, तो किसानों के साथ हम खड़े हुए हैं। किसानों की मांग को राहुल जी रोज उठा रहे हैं, पूरी पार्टी नेतृत्व तो उठा रहा है पूरा। जब इनको ये किसान चुटेल हुए थे तो हम लोगों ने हम राजनीतिक दल के रूप में हम गए थे NHRC और हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स ने सबने इसको जिलेवार जो है इसमें मेमोरेंडम दिया था और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। तो साफ तौर से विवेक बंसल जी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी, इनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी पहले की तरह नैतिक समर्थन किसान आंदोलन को देती रहेगी। कल करनाल में एक महापंचायत बुलाया गया और उम्मीद ये की जा सकती है कि पहले जिस तरह की घटना हुई थी उस घटना की पुनरावृत्ति न हो। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है। मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण इक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स। 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी। कहने तो बाहर है, तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जावेगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थामा तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवे चाहोगे ओवे होएगा। इट्स माय प्रॉमिस इमीडिएटली रिजल्ट ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% गारंटी, अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जां तुड़वाओ, रुसे नूं मनाओ। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।